हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल। गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे किसी लोगो की शेप को अपने डिजाइन के अंदर एज अ डिजाइन एलिमेंट यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका कोई लोगो है और वो कुछ सर्कुलर शेप में है या फिर कोई स्क्वायर में है या फिर कुछ अलग शेप में है, कुछ अलग जिगजैग में है, तो उसकी ही शेप को हम मॉडिफाई करके या फिर उससे मिलती जुलती कुछ शेप बना करके उन शेप को अपने डिज़ाइन में कैसे हम लोग एक डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम कुछ भी इस टाइप की शेप अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं तो वो जो डिज़ाइन है वो देखने में एकदम से आई कैचिंग होता है और पता लगता है कि हाँ, ये इसी ही प्रोडक्ट का, इसी ही कंपनी का डिज़ाइन है। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और पता लगेगा कि कैसे हम लोग एक लोगो को एज अ डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ फोटोशॉप में और यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की है जिसका साइज है 1080x1080। अब सबसे पहले हम लोग इसमें एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एडजस्टमेंट आइकन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा सॉलिड कलर का और यहाँ पे जो मैं कलर ले रहा हूँ वो है कुछ रेड। इसको करते हैं ओके। अब सबसे पहले मैं इसमें एक लोगो लेकर के आऊंगा जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल करके रखा हुआ है पीएनजी, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, ठीक है। और इसको इस कॉर्नर पे यहाँ पे थोड़ा छोटा करके मैंने सेट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये जो लोगो है इसमें तीन लाइंस आपको दिख रही हैं, मतलब कि ये जो एम है इसमें तीन स्ट्रिप आपको ऐसे दिख रही हैं, ऊपर से थोड़ा सा पतला है और नीचे की साइड में काफ़ी चौड़ा है, तो एक प्रस्पेक्टिव एंगल टाइप का है ये। तो हम भी इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और जो इसमें कलर है उसको मैं इस लोगो से ही पिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने येलो कलर पिक कर लिया। अब पिक करने के बाद में यहाँ पे मैं स्ट्रिप बनाऊँगा कुछ ऐसे। तो मैंने एक स्ट्रिप ये बनाई और इसको बनाने के बाद मैं ऑल्ट प्रेस किया और इसकी एक और कॉपी यहाँ पे ले ली थोड़े से गैप के बाद, ठीक है। अगेन एक और कॉपी ले ली यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप कि तीन स्ट्रिप यहाँ पे भी मेरी कुछ इस टाइप से बन चुकी हैं। अब मैं इसकी एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और इसको एक बार मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब मेरे को इन सभी शेप को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सभी को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मेरे को इसकी एक और कॉपी करनी है। तो मैंने सिंपली इनको सिलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया और ड्रैग करके इसको यहाँ पे नीचे की साइड रख दिया, इससे बिल्कुल एज से एज मिला करके, ठीक है। अब सिंपली हम करेंगे कंट्रोल टी, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रस्पेक्टिव का, ठीक है। प्रस्पेक्टिव पे क्लिक करेंगे और ये जो नीचे के कॉर्नर हैं इनको किसी भी एक कॉर्नर पे क्लिक करके इसको सिर्फ मुझे ऐसे करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मेरा एक प्रस्पेक्टिव एंगल ऐसे बन चुका है और ये कुछ शेप मेरी ऐसे दिख रही है जो कि देखने में ही लग रहा है कि एक प्रस्पेक्टिव शेप बनी हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी ऊपर वाली जो शेप है ये और ये जो नीचे वाली है इन दोनों के बीच में एक लेयर क्रिएट करूंगा। तो मैंने इसको लेयर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे ग्रेडियंट पे, इस पर क्लिक करके और यहाँ जाएंगे बेसिक। तो यहाँ पे आपको सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। सेकेंड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट में मिलेगा ब्लैक कलर और यहाँ पे भी ब्लैक है बट इसकी जो ऑपेसिटी है वो जीरो है और इसको हिट करेंगे ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फील देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसको डार्क मरून भी कर सकते हैं, डार्क रेड कलर भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको करूँ, देखो आप, कुछ ऐसा लगेगा, ये कुछ ऐसा फील देगा, ये ब्लैक की जगह पे थोड़ा सा डार्क हो गया। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस लेयर को ऑफ करूँ तो यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक पार्टीशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग इसमें एक इमेज लेकर के आएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी पीएनजी करके रखी हुई है और इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कुछ ऐसे, और इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कंटेंट लिखेंगे। तो कंटेंट के लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे जो मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ वो है
बारलो, आप कोई भी फॉन्ट इससे रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं साइज़ ले लेता हूँ अराउंड अभी 20, और यहाँ पे मैं फॉन्ट लिखता हूँ, पहले मैं इसका साइज़ कर देता हूँ अराउंड 12, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है मैं उसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, और ये जो कुछ टेक्स्ट है मेरा कुछ ऐसे है, ठीक है। मैं सबसे पहले इसका कलर कर देता हूँ यहाँ पे वाइट, और इसको यहाँ से अब ब्रेक करूँगा मैं, इनका सभी का अलाइनमेंट मैं यहाँ से राइट कर दूंगा, और इसको अब मैं यहाँ पे सेट करूँगा, ठीक है। तो अब जो मेरा ये जो टेक्स्ट है मैं इनमें हर एक में अलग कलर और फॉन्ट साइज रखूँगा, तो इसको जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ अराउंड 26, और इसका जो कलर है इसको मैं यहीं से येल्लो पिक करूँगा, ठीक है। और इसको मैंने जो यहाँ पे बोल्ड रखा है इसको कर दूंगा एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है। तो ये कुछ मेरा यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएगा। इसी तरीके से मेरे को इसमें चेंज करना है, तो इसमें मैं कलर नहीं चेंज करूँगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट का साइज चेंज करूँगा, ठीक है। तो इसको जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे अराउंड 16, ठीक है, और या फिर अराउंड 15, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ऐसे सेटिंग हो गई है। अब मुझे ये जो इमेज है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा ऐसा फील दे कि ये इसके ऊपर है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, जैसे कि रेट, तो मैं यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट टूल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 99, और इसको अपने इस स्ट्रिप में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो इसका साइज मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ा छोटा, राउंड इतना, और इसकी एक और कॉपी लेता हूँ ऑल्ट प्रेस के, और यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं RS, और इसकी एक और कॉपी लूंगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली, और इसका कलर वाइट, और सभी का कलर मैं यहाँ से वाइट कर दूंगा, तो यहाँ पे रखता हूँ। और इसकी जो स्पेसिंग है इसको मैं बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बोल्ड है इसको सेमी बोल्ड कर दूंगा, और इनकी भी कलर जो है मैं वाइट कर दूंगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल लेना है, यहाँ पे फिल पे क्लिक करना है, इस पे जाना है, और यहाँ से ये वाला कलर पिक करना है, ये जो रेड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रिप में बना दूंगा इसको, ठीक है, और इसको मैं इसके नीचे रखूँगा ये, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब देखने में काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब मुझे इसमें ओवरऑल एक टेक्सचर डालना है, तो मैंने एक वॉल टेक्सचर डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप इस टाइप से कोई भी टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये वॉल टेक्सचर है, सिंपली इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो बड़ा करने के बाद में इसको यहाँ से इसका मोड कर दूंगा मैं ओवरले। तो गाइज यहाँ पे मैंने ये टेक्सचर डाल दिया है, और इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से डाउन कर देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से अराउंड 40, ठीक है। 40 करने के बाद में ये काफ़ी ही सही लग रहा है यहाँ पे। तो गाइज आप भी इस टाइप से डिज़ाइन बना सकते हैं, और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लोगो को ध्यान में रखना है कि जो आपका लोगो है वो किस टाइप से आपकी शेप दिखा रहा है, किस टाइप की शेप का लोगो है। तो आप भी उस शेप को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपने डिज़ाइन में अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो आपका शेप होगी वो एज अ डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ होगा आपके डिज़ाइन के अंदर। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपने देखा कि कैसे हमने एक लोगो की जो शेप है उसको अपने डिज़ाइन के अंदर एज अ डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किया। तो आप भी कोई भी जब भी डिज़ाइन बनाएं तो उसके लोगो की शेप को अपने डिज़ाइन में एज अ डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।